हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुलेशन के एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जो वीडियो थी मिडल मीडियास्टिनम की। वहां पे जब मैं आपको उसको सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था तो आई थिंक आपको याद होगा मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये वाला वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। तो उसी में छोटे सी क्लिप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से आपको मतलब समझा रहा हूँ। वहां पे मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। ये साइड हमारा ये रह गया, पोस्टीरियर ये रह गया, तो बीच में पाया जाएगा ना। और स्टेनम कैसे रहता है? स्टेनम बिल्कुल यू एक्सियल के सीध में ज्यादातर रहता है। तो अगर मैं इसको अगर यू कर दूं तो अब ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर मिडिल साइड में, और अगर मैं स्टेनम को यानी यहाँ फिर मान लीजिए स्टेनम को अगर मैं यू खड़ा कर दूं तो देखिए ना तीनों की तीनों स्टेनम के कॉन्टेक्ट में, तीनों की तीनों क्या है स्टेनम के कॉन्टेक्ट में। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ एक्चुअली मैं आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बट वहां पे मैं समझा नहीं पाया क्योंकि मैं इस कंफ्यूजन में फंस गया कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझाऊं। और वहां पे उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि मैं वहां पर नर्वस होके आप लोगों को थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन, गलत नहीं बोलूंगा बट थोड़ी सी मैं मतलब रॉन्ग साइड में जाके वहां पे आपको कुछ बता दिया। दरअसल जो हार्ट होता है, देखिए जो मतलब मीडिया आपको पता है स्टेनम कहाँ होता है, स्टेनम सबसे आगे रहता है। स्टेनम जब सबसे आगे रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फेस टू फेस खड़ा हूँ तो आप यहाँ से स्टेनम को क्या फील कर सकते हो कि ये स्टेनम की, जैसे कि मेरी स्टेनम की नोच ये है जिसको क्या बोलते हैं जुगलार नोच। जस्ट जैसे यहाँ से क्लेविकल जुड़ रही है तो ये कौन सी नोच है, ये कौन सी नोच है, एक्चुअली में ये है स्टर्नो क्लेविकुलर नोच। यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के पास में यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर नोच रहती है, उसके बाद में फर्स्ट रिब रहती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि अपना एक स्टेनम पाया जाता है। अब ध्यान रखिए इस वाली बात का, ये अपना स्टेनम कहाँ पर है, पूरा का पूरा फ्रंट फेस में। अब इसके जस्ट पीछे क्या है, इसके जस्ट पीछे एंटीरियर साइड में, मतलब स्टेनम के तो पोस्टीरियर में बट मैं मीडियास्टिनम की बात कर रहा हूं तो मीडियास्टिनम का तो एंटीरियर पार्ट ही रहेगा क्योंकि वो एंटीरियर साइड में, तो उसका एंटीरियर पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके जस्ट पीछे की साइड में मिडिल मीडियास्टिनम पार्ट बनेगा क्योंकि वो बीच में है, और बैक साइड में क्या बनेगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे बात आई थी किस बात पर कि वहां पे एक लिगामेंट कनेक्टेड रहता है, कौन सा लिगामेंट, पेरिकार्डियो लिगामेंट। अब देखो स्टेनो पेरिकार्डियो लिगामेंट जो पेरिकार्डियम का जो जुड़ा हुआ रहता है उस किससे जुड़ा हुआ रहता है मीडियास्टिनम से। दरअसल उसका काम क्या था, उसका दरअसल काम था मीडियास्टिनम को पकड़ के रखना। मीडियास्टिनम को क्यों पकड़ के रखना, क्योंकि वहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगर हार्ट प्रेजेंट होता है, अगर वहां पे वो पंपिंग कर रहा है तो एक बहुत ही स्पीड से पंप करेगा क्योंकि आपको पता ही है अप्रोक्स जो पंप को मतलब ब्लड को जो पंप करने की ताकत है जो हार्ट के पास है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर वो क्या है कि बहुत ज्यादा एक मतलब उसे पर्टिकुलर डायमीटर चाहिए होता है। अब वो पर्टिकुलर डायमीटर उसको मिल तो जाएगा बट सबसे बड़ी बात हो जाएगी जब वो वहां पर क्या है कि जब किसी को मतलब पंप करेगा। अब उससे ये रहेगा कि जब वो पंप करेगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी कि यार वो हिल सकता है, वो डूल सकता है, मतलब इधर उधर मतलब खिसक सकता है यार। अगर झटके से एक साथ अगर पंप करेगा तो हो सकता है कि जिस जगह पर हो वो वहां से डिसलोकेट हो जाए। तो इसी से बचने के लिए ये सारा एक सिस्टम तैयार किया गया जहां पे मीडियास्टिनम है उसके पोस्टीरियर साइड में या फिर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर साइड में, वहां पे अगर बात करूं तो वहां पे ईसोफेगस आ जाता है, ईसोफेगस ट्रेकिया जाता है, और वहां पे ट्रेकिया का एक और लिगामेंट होता है जो कि उससे कनेक्टेड रहता है। मैंने आप लोगों को इसकी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वीडियो को जाके इजीली देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई लिंक के ऊपर क्या इसका जो क्या दे दूंगा आपको, मतलब आई लिंक के अंदर आपको बटन दे दूंगा, आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको देख सकते हैं। तो यही इसकी एक पूरी कहानी थी, यहीं पर इसका एक होता है। तो यहाँ पे क्या मिडिल मीडियास्टिनम के साथ में, अगर ये मिडिल मीडियास्टिनम है ये एंटीरियर पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है, ये उसका स्टर्नम है। तो देखिए एंटीरियर पोर्शन को क्रॉस करते हुए मिडिल मीडियास्टिनम से एंटीरियर पोर्शन को क्रॉस करते हुए स्टर्नम तक वो लिगामेंट जाता है और उसको बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियो लिगामेंट। तो ये लिगामेंट किसका काम करता है, ये सारे लिगामेंट्स मिलके जैसे कि डायफ्राम की तरफ से एक और एक डायफ्राम की तरफ से एक जिसको सेंट्रल टेंडन है, सेंट्रल फ्रेनिक टेंडन करके कुछ ऐसा है वो उसको पकड़ के रखता है। डायफ्राम के पास में से एक और लिगामेंट है जो भी इसको पकड़ के रखता है, या ट्रेकिया के पास में आ गया तो वहां पे इसका एक लिगामेंट पाया जाता है, स्टर्नम के पास में इसका एक अपना लिगामेंट है, ऊपर की साइड के अंदर जैसे कि यहाँ पर अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको सुपीरियर मीडियास्टिनम आ गया, सुपीरियर देखिए जुगलार नोच से लेकर और पीछे की साइड में यहाँ पे जो कौन सी ये वर्टिब्रा है T1, ये जो T1 है
आप इसको इजीली फेस कर सकते हो कि टी1 को आप इजीली वो कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो लाइन निकलेगी ना, ये जो लाइन जाएगी, ये लाइन इसको डिफाइन करेगी थोरेसिक इनलेट के अंदर। तो थोरेसिक इनलेट के बारे में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो इजीली। तो यहाँ पे ये क्या है कि इसको डिफाइन करता है, मतलब ये एक पूरा पोर्शन इस तरीके से बनता है। तो ये सबके सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सबके सब मिलके एक सीट बेल्ट बनाते हैं। सीट बेल्ट बनाने का इनका मतलब मेन मकसद क्या है, इनका बस मेन मकसद ये है ताकि ये हार्ट को इधर उधर हिलने डुलने से रोके। अब अगर ये हार्ट को इधर उधर डुलने से रोकेंगे तो इट मीन्स हार्ट एक सही और फिक्स पोजीशन पे रहेगा, और उससे होगा ये कि हार्ट सही तरीके से अपना ब्लड पंप कर पाएगा, डिसलोकेट नहीं होगा और किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, और पिछले वाले वीडियो के अंदर जो मैं मतलब जो मैंने बोला था, जिस तरीके से मैंने गलती किया था, उसके लिए गाइस यार आई एम रियली रियली सॉरी, बिकॉज वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया था, नर्वस हो गया था कि आप लोगों को मैं किस तरीके से समझाऊं और किस तरीके से मैं उसे एक्सप्लेन करूं। तो यही रीजन था कि मुझे ये वाला वीडियो दोबारा बनाना पड़ा, और मैं यहाँ पे मतलब एक तरीके से यार गलती हो जाती है थोड़ा बहुत जब मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैं कम से कम अपने 7 वीडियो डाल चुका हूँ बट व्यूज 0। फिलहाल पता नहीं YouTube का क्या एल्गोरिथम और किस तरीके से वर्क करता है, मैं फिलहाल सर्च कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरे YouTube के एल्गोरिथम के बारे में अब आपको समझाने जाऊंगा अपने एक दूसरे YouTube चैनल के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे YouTube चैनल्स में ना यार कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि टेक्नो आशीष का जो YouTube चैनल है वो कन्वर्ट होगा टेक्नो मेड के अंदर, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा डिजीजेस के बारे में, और जो टेक्नो आशीष का एक और दूसरा YouTube चैनल है वहां पे मैं बताऊंगा कैसे आप एक YouTube से परफेक्ट अर्निंग कर सकते हो, आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। यार मैं सब कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो अब ये उसके बावजूद भी कि मतलब एक तुक्का ही रहता है कि यार किसी का लग जाता है तो लग जाता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। फिलहाल तो मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मेरा तो फिलहाल कुछ हो नहीं पा रहा है। आई होप आपके वीडियो का कुछ हो जाए, तो मतलब यार फिलहाल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे जाके ना टेक्नो आशीष वो फिक्स रहेगा, उसको जाके क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना या फिर फॉलो कर लेना। उससे होगा ये कि आपको वहां पे क्या होगा, जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मतलब मजा आने वाला है यार, बहुत सारा मजा आने वाला है। एमबीबीएस का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।